लें जी दोस्तों, तैयार हो जाएं। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक और ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। लगता है ऐसे है कि एक नई रिटायरमेंट आपके और मेरे मुंह पे कर्टसी टू पीसीबी मारी जाने वाली है, और ये रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे हारिस रऊफ। हाँ जी हारिस रऊफ साहब, जिनको आपको लगेगा कि नहीं यार हारिस रऊफ अभी क्यों रिटायरमेंट लेगा, वो तो इतना यंग लड़का है, अभी तो उसके पास बड़ी उम्र पड़ी है ना। जब आप किसी लड़के को T20 क्रिकेट खेलने के लिए NOC नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, वो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यूं करके मारेगा आपके मुंह के ऊपर, कहेगा मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, मेरा PCB के साथ कोई लेना देना नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए लीग क्रिकेट में ओपन हो गया। हारिस रऊफ यही करेगा, क्योंकि PCB अभी इस पर्टिकुलर टाइम में BBL बिग बैश लीग जो कि शुरू होने वाली है नेक्स्ट मंथ, उसमें जो हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको लेकर जो NOC उसे चाहिए, हाँ जी PCB उस NOC के ऊपर बैठ गई है उसको अपने नीचे दबाकर, और ये होना था। आपको याद होगा कि जब ये हारिस रऊफ और वहाब रियाज वाला ये मामला खुला था, वहाब रियाज ने हारिस रऊफ की जो अवेलेबिलिटी से रिलेटेड बातें सारी की थी और हारिस रऊफ ने उन तमाम बातों का इनकार कर दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको एक इशारा किया था कि ये हारिस रऊफ का जो BBL का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पानी पड़ने वाला है, इसके ऊपर ये PCB वाले इसको NOC से रिलेटेड तंग करेंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। PCB के इंटरनल जराए ये बताते हैं कि भाई साहब हारिस रऊफ को BBL से रिलेटेड 11 दिसंबर तक NOC नहीं दिया जाएगा, और 11 दिसंबर के बाद PCB ये कहता है सोचेंगे, देखते हैं, आओ बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से कुछ निकाल लेते हैं। ऐसे कैसे होता है, 7 दिसंबर से बिग बैश लीग शुरू हो रहा है और पहले ही मैच हारिस रऊफ की टीम का है, मेलबर्न स्टार्स का। जी हारिस रऊफ की टीम बिस्मिल्ला कर रही है BBL में, और हारिस रऊफ है ही नहीं, और हारिस रऊफ के ऊपर मेलबर्न स्टार्स ने उस इस एक बंदे की मार्केटिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना पैसा बहाया कि आपकी सोच है, वहाँ पे हारिस रऊफ बे, हारिस रऊफ हाउस, हाउस ऑफ हारिस रऊफ, वो अपने आप को मेलबर्न स्टार्स नहीं कहते, अब वो कहते हैं हाउस ऑफ हारिस रऊफ है हम। मतलब हारिस रऊफ की इस लेवल के ऊपर तो मार्केटिंग की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, जस्ट टू मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा फैंस हम ग्राउंड्स के अंदर लेकर आएँ, और इधर हारिस रऊफ का NOC जो है उसके ही नहीं पता लग रहा कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हारिस रऊफ की टीम मेलबर्न स्टार्स के BBL के इस एडिशन में जो मैचेज हैं उनकी डेट्स ज़रा सुने। पहला मैच 7 दिसंबर को बिस्मिल्ले ही हारिस रऊफ की टीम मेलबर्न स्टार्स ने करनी थी इस BBL की, वो तो हारिस रऊफ मैच नहीं खेल पाएंगे, लग ऐसे रहा है। फिर 13 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर, 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 6 जनवरी, 13 जनवरी, और लास्ट मैच मेलबर्न स्टार्स का है 15 जनवरी को। अब इसमें से हारिस रऊफ कितने मैचेस खेलते हैं, कितने मिस करते हैं, ये तो NOC के ऊपर डिपेंड करता है, और NOC से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, हारिस रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज भी दी हुई हैं बिग बैश लीग में, इसी वजह से उनका नाम बोलता है ऑस्ट्रेलिया में। 3 एडिशन खेल चुके हैं वो, सुने ज़रा हारिस रऊफ के। इन्होंने पहला एडिशन BBL 9, उसमें 10 मैचेस खेले, 20 विकेट्स ली, 10 मैचेस 20 विकेट्स। फिर BBL 10 में इन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले, 1 विकेट ली। जो पिछला एडिशन है BBL 11, इन्होंने जो खेला 5 मैचेस और 9 विकेट्स ली हारिस रऊफ ने। अच्छा, ये 5 विकेट्स हॉल भी ले चुके हैं हॉबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, मेडन अपने BBL का जो इनका एडिशन था उसमें, पहले एडिशन में 5 विकेटें चटका दी, और सिडनी थंडर के अगेंस्ट हारिस रऊफ हैट्रिक भी कर चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं कि 3 लड़के हैं जो कि इस दफा BBL में सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तानी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, जमान खान। उसामा मीर भी मेलबर्न स्टार्स में ही है, तो अब हारिस रऊफ को NOC नहीं मिलता तो उसामा मीर को मिलेगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क। जमान खान को मिलेगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो PCB जो है ना, बिला वजह में नाराज फुफुआ बन गया। अब वहाब रियाज के साथ उसकी जो भी बात हुई चीफ सिलेक्टर के तौर पर, जो भी सारा कुछ हुआ, भाई छोड़ दो ना, वो नहीं खेलना चाहता टेस्ट क्रिकेट, बात खत्म हो गई। आपको जब फैंस पिट रहे थे यहाँ पर कि भाई हारिस रऊफ लॉन्ग वर्जन ऑफ क्रिकेट का बॉलर नहीं है, नहीं है, नहीं है, जबरदस्ती घुसाया हुआ था, इवेंचुअली
उसका पोल खुल गया। जो बंदा ओडीआई क्रिकेट में नहीं चला, आप उससे टेस्ट क्रिकेट खिलवाने के चक्रों में है, बेवकूफ तो आप है। सीधी सी जो बात है, सीधा सीधा नजर आ रहा है ना कि आपकी कम अकली है। वो भाई वो T20 का बॉलर है, उसको T20 में रहने दो। वो जाना चाहता है BBL के लिए, ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका है तो उससे बात करो, कहो भाई तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलो। फिर वो यार 100 किस्म के सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं। अब इस तरह अभी मुफ्त में बदला लेना, क्या आपके पास ताकत है? आप उसका NOC दबाकर बैठ गए हैं। अच्छा, आपने NOC दबा लिया, वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है, वो दूसरा मोहम्मद आमिर बन जाता है, क्या पट लेंगे आप? क्या कर लेंगे हारिस रऊफ का? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हारिस रऊफ को तो दुनिया की हर लीग आंखें बंद करके लेगी, क्योंकि इतना तेज फास्ट बॉलर दुनिया की किसी भी लीग के पास नहीं है, दुनिया की किसी टीम के पास नहीं है, इंटरनेशनल लीग तो छोड़ ही दो। तो भाई इस जैसे बॉलर के लिए तो क्रिकेट के 100 दरवाजे खुले हैं। आप अपना एक बॉलर जिसको आप T20 में तो कम अज कम यूटिलाइज कर सकते हैं ना, वर्ल्ड T20 में, T20 मैचेस में, T20 सीरीज में, वो बॉलर क्यों जाया कर रहे हो अपनी अना के पीछे? कसम से, वो फिर मैं वो पे वाला वर्ड नहीं यूज करना चाहता जो कि हमारी सियासत में यूज किया जाता है। चीफ सिलेक्टर साहब आंखें खोले, क्या हो गया सर? दिन देखे, सूरज किधर चढ़ा हुआ है? कमाल बात करते हैं आप। अजीब यार, कसम से। तो भाई उसको वो जाना चाहता है, जाने दो उसे, क्यों हमारी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं आप? और दें उसको NOC, वो जाए जाकर खेले, उसके बाद जब वो आपकी सीरीज आनी है T20 से रिलेटेड, वो उससे आप बात कर लें कि भाई इस टाइम पे अब तुम हमें अवेलेबल हो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो आता है BBL के, वो अच्छे खासे मैचेस खेल चुका होगा, तो वो कोई कर लेगा टीम वगैरह से बात, समथिंग लाइक दैट। बिला वजह की लड़ाई बना लिया PCB वालों ने,